हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिटी एंड क्रिएटिविटी। देहरादून से मसूरी रोड पर घंटाघर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर कोठाल गेट के पास हरी भरी पहाड़ियों के बीच रोड के किनारे बसा है ये प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जिसे हम शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। शिव मंदिर अपनी यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। टेंपल के ऊपर लगभग 150 त्रिशूल बने हुए हैं जो टेंपल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, जबकि दीवारों पर रेड और ऑरेंज कलर का पेंट किया गया है। सेंटर में ही ब्लैक कलर का एक झूला भी है। टेंपल पर लगे बोर्ड के मुताबिक ये एक प्राइवेट टेंपल है, जिसे शिवरतन केंद्र हरिद्वार की ओर से 1990 और 91 में बनाया गया था, और इसे बनवाने में सबसे बड़ा हाथ योगीराज मूलचंद खत्री जी की फैमिली का है। मंदिर का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का शिवलिंग, जो क्रूशियस पत्थर और स्फटिक से बना हुआ है। स्फटिक एक तरह का बर्फ का पत्थर है जो लाखों वर्ष बर्फ में दबे होने से बनता है। यह देखने में ट्रांसपेरेंट और काफी हार्ड होता है। मंदिर के मेन गेट पर ही एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर पैसा चढ़ाना मना है। मंदिर के अंदर या बाहर किसी भी तरह की कोई मिठाई की दुकान या प्रसाद की दुकान नहीं है, इसलिए श्रद्धालु सिर्फ शिवलिंग पर जल ही चढ़ा सकते हैं। देहरादून की फेमस रिलीजियस प्लेसों में से एक है ये शिव मंदिर। ये इंडिया के उन चुनिंदा टेम्पलों में से एक है जहाँ पर किसी भी तरह की चैरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह पर यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर पैसा चढ़ाना मना है। शिव मंदिर के प्रेमिसेस में कुछ दुकानें खुली हुई हैं जो कि जेम स्टोन की दुकानें हैं, जहाँ से सब लोग अपने मनपसंद स्टोन्स या अपना बर्थ स्टोन खरीदना पसंद करते हैं। ये दुकानें उतनी ही पुरानी हैं जितना कि ये मंदिर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर दान देना मना है। हालांकि कोई भी मंदिर में दर्शन के लिए आ सकता है, और यहाँ के प्रसाद के रूप में मंदिर के किचन से सर्व होने वाली चाय और खीर का आनंद ले सकता है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ पर स्पेशल पूजा की जाती है। इस टाइम पर पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और पूरे दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। आपको दिखाया था मैंने कि इस मंदिर के ही प्रेमिसेस में कुछ जेमस्टोन्स की दुकानें हैं। ये दुकानें भी उतनी ही पुरानी हैं जितना कि ये मंदिर। उन्हीं के एक ओनर से हमने बातचीत करी और इस मंदिर के बारे में और बातें भी जानने की कोशिश करी। ये मंदिर हमारे गुरुजी ने अपने पूजा पाठ के लिए बनाया है। बचपन से ही जो है भगवान शिव की पूजा पाठ करते आ रहे थे। उनकी इच्छा थी भाई मैं कोई ऐसा बढ़िया सा भव्य मंदिर बनाऊँ। भोलेनाथ जी ने उनकी सुनी और ये जो है इस रूप में उन्होंने यहाँ पर बनवाया। कितने साल पुराना है ये? ये इसका 90 में इसका जो है स्थापना हुई। अच्छा, वैसे तो पहले भी मंदिर यहाँ छोटा मंदिर था, तो 90 में उन्होंने इसको बड़ा रूप दिया था। अच्छा, 1990 में? हाँ जी, ये बड़ा मंदिर बना। हाँ, पहले छोटा मंदिर था। जी जी, आपकी दुकान तभी से है? हाँ जी, दुकान भी वैसे हमारा हेड ऑफिस है हरिद्वार में। ये रत्नों का काम है शिवरत्न केंद्र के नाम से। अच्छा जी, तो ये सारे रत्न हैं आपके पास? हाँ जी। आजकल तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो है बहुत वो है, नहीं तो बहुत इस टाइम बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। हाँ, मैंने देखा है काफी भीड़ होती है यहाँ पर, दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी हाँ जी, इसमें फिर प्रसाद इस टाइम कोरोना की वजह से प्रसाद का भी प्रोग्राम किया हुआ गवर्नमेंट की। अच्छा, वरना यहाँ हमेशा ही लगातार ही प्रसाद बढ़ता रहता है। यहाँ पर खीर का प्रसाद है, चाय का प्रसाद है, वैसे हमेशा बढ़ता रहता है। ये मतलब मंदिर की तरफ से ही जी, बढ़ता जी, है जी, और जिसकी श्रद्धा हो वो अपना कुछ करवाना चाहे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गुरुजी की तरफ से चलता हमारे। अच्छा, उनकी अपनी एक सोच है, वो कहते हैं भगवान हमको सब कुछ देता है तो यहाँ जो है कुछ चढ़ाने की मनाही है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तभी जगह जगह पैसा डालने के लिए भी मना लिखा हुआ है, वही मैं देख रही थी। उनकी अपनी ये भावना है भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं तो हम क्यों भगवान के ऊपर पैसा चढ़ाए, ये उनकी अपनी भावना है। अच्छा,
तो मतलब पैसा चढ़ाना या खाना सब कुछ कुछ नहीं चढ़ाना है, जो भी है यहीं से मिलेगा। जी जी, प्रसाद भी हाँ जी महाराज जी खुद ही अपना देते हैं। जी जी, बहुत अच्छी सोच है। अपनी गौशाला है, अपनी दूध जितना भी होता है सब वो प्रसाद चाय और खीर में ही बनता है। अच्छा अच्छा, खूबसूरत वादियों में बसे इस मंदिर के पास से दून वैली का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये मंदिर यहाँ से देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि मंदिर के रोड पे होने की वजह से यहाँ पर पार्किंग स्पेस लिमिटेड ही अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ से मसूरी जाने वाले और मसूरी से वापस देहरादून की तरफ आने वाले जो भी यात्री हैं या टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर रुकना ज़रूर पसंद करते हैं।